नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। और अब कोरोना पर आखिरी बार आज से शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना जिसने पिछले 10 महीनों से देश ही नहीं पूरे दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है, अब कोरोना पर आखिरी वार की बारी आ गई है। देश के अंदर और बिहार में भी इसकी शुरुआत हो गई है। तो आज कोरोना का पहला टीका दे दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में पटना के IGMS में कोरोना का पहला टीका, यानी पहले बिहारी को कोरोना का जो टीका दिया गया। और इसके साथ ही बिहार में भी कोरोना के खिलाफ अभियान की शुरुआत हो गई, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि कौन सा वो पहला शख्स है जो बिहार में जिसे कोरोना का टीका दिया गया। तो आपको हम बता रहे हैं IGMS में इसकी शुरुआत हुई है। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में कोरोना का पहला वैक्सीनेशन दिया गया। जी हाँ, IGMS में जो सफाई कर्मचारी हैं राम बाबू पहले शख्स बने हैं, पहले ऐसे बिहारी बने हैं जिन्हें कोरोना का टीका दिया गया है। यानी अब कोरोना पर वार करना शुरू हो गया है और राम बाबू यानी राम का नाम लेकर शुरुआत हो गई है कोरोना के टीका की बिहार में और नीतीश कुमार के मौजूदगी में। उसके अलावा दूसरा टीका जो है एम्बुलेंस चालक, IGMS के ही एम्बुलेंस चालक है अमित कुमार। यानी पहले शख्स राम बाबू और दूसरे शख्स अमित कुमार बन गए हैं कोरोना का टीका लेने वाले, पहले बिहारी बन गए हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि बिहार में डॉक्टरों को जो टीका लगाया गया पहला टीका, उसमें IGMS के डॉक्टर प्रोफेसर दीपक पंकज वो पहले शख्स हैं जो पहले डॉक्टर हैं जिन्हें टीका दिया गया कोरोना का। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना का जो टीकाकरण का कार्यक्रम है पूरे देश में उसी क्रम में लगाया गया है। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जा रहा है। आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने देश में शुरुआत की है और कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका दिया जा रहा है, क्योंकि वो कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर हैं। कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे सबसे फ्रंट पर अगर कोई रहा तो वो डॉक्टर्स रहे। डॉक्टरों ने डटकर मुकाबला किया कोरोना का और देश के अंदर जिस तरह से कम संसाधन में बड़ी सफलता हासिल की गई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, तो अब लड़ाई के खिलाफ जो है अब जंग जो है आखिरी दौर में आ गया है। यानी कोरोना पर पहला सटीक वार कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से कर दी गई है। अभी स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में लगाया जा रहा है, उसके बाद तमाम जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं कोरोना के उन्हें टीका दिया जाएगा। यानी पुलिस विभाग और तमाम जो विभाग के लोग हैं उन्हें टीका दिया जाएगा। धीरे धीरे सबकी बारी आएगी और कोरोना का अब जो है कोरोना के खात्मे की बारी आ गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और राम बाबू पहले शख्स बने हैं, पहले बिहारी बने हैं जिन्हें कोरोना का वैक्सीन दिया गया है, टीका दिया गया है नीतीश कुमार की मौजूदगी में। हम आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। कितना बड़ा दिन है पूरे बिहार में, जैसे देश भर में तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है। और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है, हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में भी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी देंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये खबर अगर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेशर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।